जो पीछे आप आर्क देख रहे हैं, आर्क वाला विंडो ये मैंने बनाया था, कर्टेन की रोड बनाई थी, बट इस पे जो कर्टेन्स हैं वो मैंने अभी नहीं लगाए थे, और मैंने बोला था कि जब भी मैं बनाऊंगी और लगाऊंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वाली जो वीडियो है ना उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है, उसके लिए आप सबका दिल सबसे पहले तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि ये विंडो है जो ये पहले किस तरीके की थी, इसके ऊपर मतलब क्या था क्या नहीं था। तो ये जो आर्च विंडो है ये मैंने खुद बनाई है, रोड वगैरह सारा जो है खुद से ही किया है और कुछ डिफरेंट जो है आइडिया ट्राई किया है। कम्प्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है, इस वॉल के ऊपर मैंने क्या बनाया है, क्या सब कुछ रिपेयरिंग करके दोबारा से बनाया है, कंप्लीट वीडियो चैनल पे जो है आई बटन में भी लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, पहले आप वो चेक कीजिएगा। तो उसको बनाने के बाद ही मैं ये कर्टेन्स जो है अब इसके बना रही हूँ, क्योंकि आप सब ने मुझसे बहुत डिमांड की थी कि आप कर्टेन्स की वीडियो ज़रूर अपलोड कीजिएगा। बना रही हूँ इसके कर्टेन्स। तो पर्दे बनाने के लिए ना मैंने ली है ये वाइट कलर की जाली वाली नेट, ये जाली वाली नेट बिल्कुल सॉफ्ट वाली, और ये मैंने वाइट कलर की ली है क्योंकि मैंने इस रूम को पूरे को ना ग्रीन और वाइट में रखा है, तो जो कुछ जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, तो कहीं कहीं जो है वाइट भी ज़रूरी है ताकि बैलेंस बन जाए। तो मैं जो पर्दे हैं वो अभी वाइट बना रही हूँ, और अभी ये वाले जो कर्टेन्स हैं ना फ्रेंड्स ये मैं बिल्कुल सिंपल और ईजी मेथड वाले बता रही हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सुंदर सुंदर और अलग तरीके से कर्टेन्स इसके बन सकते हैं, वो मैं जो है बाद में शेयर करूंगी, लेकिन अभी क्योंकि दिवाली आ रही है टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, तो अभी मैं जो जल्दी बन जाएंगे और बहुत कम समय में और आसानी से बनने वाले जो हैं वो मैं लगा रही हूँ, वो मैं बना रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो ये जो नेट है ना ये मैंने 8 मीटर ली है क्योंकि मैं डबल कर्टेन्स बनाऊंगी, क्योंकि जो हमारी जो विंडो है वो काफ़ी चौड़ी है, और 8 मीटर ली है यानी कि 4 मीटर का एक पीस लिया है, 4 मीटर का एक पीस, तो अलग अलग 2 पीस लेने हैं। तो हमारे पास 2 पीस हैं, 2 हम अलग अलग लगाएंगे, एक को हम इस तरफ लगाएंगे जो बीच वाला सेंटर हुक है उससे इस तरफ, एक को सेंटर हुक से दूसरी तरफ। अब ये जो है मैं रात को कर रही थी, अपना खाना वाना बनाकर अपना काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा था कि चलो अब कर्टेन्स बना लूँगी, अभी मेरे पास जो है टाइम है, तो मैं रात को बना रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो विंडो है ना, विंडो की जो खिड़की, ये जो खिड़कियाँ हैं लकड़ी है, जो वुडन फ्रेम है लकड़ी के, इनको जो है पेंट नहीं किया था पहले, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं पूरी विंडो को भी वाइट पेंट कर दूंगी, बट मैं इतना ज़्यादा पेंट कर चुकी थी कि मैं थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना लेते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। तो जब मैंने जो है इनको नेट को इसके ऊपर लगा कर देखा ना, तो ये जो विंडो है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मतलब बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सी लगी। और दूसरी चीज़ ये कि रात का समय था तो शायद इसलिए और ज़्यादा लग रही थी, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, पहले मैं विंडो को ही पेंट करूँगी। तो मैंने जो है रात को पहले जो है विंडो को वाइट पेंट करके छोड़ा, और मॉर्निंग में वो सूख गई थी, तो सुबह जो है फिर मैंने इसके कर्टेन्स बनाना शुरू किए। तो सबसे पहले तो जो नेट हमने लिया है 4-4 मीटर, उस दोनों को ना जो सेंटर वाला जो हुक है उसके दोनों तरफ, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं ना, एक लेयर को पीछे करके और एक लेयर को आगे करके, इस तरीके से मैंने टांग दिया। आप वीडियो में बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा, हो सकता है मेरे बोलने से जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो आपको देख कर ही समझ में आएगी। तो बिल्कुल अच्छे से टांग लिया है, और इसमें थोड़ी सी ना चुन्नट सी बना ली है, थोड़े से फ्रिल से हाथ से ही बना लिए हैं, हाथ से ही बन जाएंगे क्योंकि सॉफ्ट वाली नेट है। थोड़ा सा हमें आइडिया चाहिए बस कि हमें कितना लंबा लेना है, किस तरीके से लेना है। तो जो है हैंग कर लिया, और जो जो हिस्सा पीछे की तरफ गया है ना उसको आगे वाले हिस्से से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें रखना है, पहले कट नहीं करना है, पहले हमें बिल्कुल कंप्लीट मेज़रमेंट्स ले लेने हैं, उसके बाद ही जब फाइनल हमारी मेज़रमेंट्स हो जाएंगे तभी हम कट करेंगे, जब हमारा फाइनल डिसीज़न हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आप देख रहे होंगे कि दोनों तरफ जहां आर्च ख़त्म हो रही है वहां पे जो नेट है वो लटक रहा है, टेढ़ा जो है लटक रहा है, थोड़ी सी झोल सी वहां से आ रही है, तो अब हमें पहले उसको ठीक करना है, उसको बिल्कुल बराबर करना है। तो जो हमारी जो दोनों नेट है ना आगे पीछे की, हमने उनको बिल्कुल बराबर पकड़ लेना है, यानी उनकी जो नीचे से जो लेंथ है ना वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और जो एक्स्ट्रा नेट जो है वो उसको हमने पाइप के ऊपर की तरफ निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं निकलेगा, 2 से 3 इंच ही निकलेगा, और उसको पकड़ करके मैंने वहाँ
पे जो है कच्चे टाके यानी कि हाथ से जो है वहाँ पे थोड़ा सा मोटा बखिया लगा लिया है, बाद में हम उसमें सिलाई लगा देंगे। तो यानी कि जो झोल जो आ रहा है ना एक तरीके से जो बन रहा है उसको हमने यहाँ पे ख़त्म करना है। तो ये चीज़ दोनों तरफ मैंने कर दी और वो हाथ से ही ऊपर जो है पर्दे को टंगे टंगे ही करनी है, नीचे उतार कर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ऊपर की तरफ का झोल पे कच्चा करने के बाद जो है नीचे की तरफ यानी कि जो हमारी पर्दे की पाइप है ना उसके नीचे की तरफ हमें पर्दा डालने पर्दे को सिलाई लगानी है, उसको भी मैंने कच्चा कर लिया और पाइप से थोड़ा सा गैप छोड़ करके यानी कि थोड़ा ढीला ढीला सा ही कच्चा किया है। पहले एक पर्दे को बिल्कुल कंप्लीट रेडी किया है, जब वो बिल्कुल मेरा परफेक्ट बन गया उसके बाद मैंने दूसरे जो पर्दा है उसको बिल्कुल उसी की तरह जल्दी जल्दी स्टिच कर लिया था। तो एक पर्दे को कच्चा कर लिया है, अब उसको उतार करके हम पहले लगाएंगे यहाँ पे पक्की सिलाई। जो झोल हमने ऊपर की तरफ निकाल कर कच्चा किया था सुई से, पहले उसके ऊपर पक्की सिलाई लगानी है, उसके बाद जो नीचे वाला जो पाइप का जो पाइप में डालने के लिए जो आईलेट बनेगा यानी कि पूरा जो फोल्ड होगा उसको सिलाई लगानी है। और जो हमने कच्ची जो सिलाई लगाई है ना हाथ से उससे भी हल्का हल्का एक पॉइंट आप दूर ही सिलाई लगाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि पर्दे में डालते टाइम आपका जो पर्दा है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए और आराम से ना डले। इसलिए हल्का सा उसको लूज़ ही रखिएगा, कच्चा करने के बाद भी उसको हल्का सा लूज करना है। अब इतना होने के बाद मैंने ली है ये बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी कटवर्क वाली लेस, जिसके ऊपर की सितारा वर्क भी है, स्टोन वर्क भी है और ये मल्टी कलर की है, बड़ी ही सुंदर सी प्यारी सी लेस है। अब ये जो लेस है ना ये मैं सिर्फ 100 रुपये का बंडल लेकर आई थी, पूरी 10 मीटर थी ये। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं पटरी बाज़ार में से जब सामान खरीदने जाती हूँ तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें ही लेकर आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये अच्छी मिल जाती हैं। और एक जो लोग फुटपाथ पर बैठ कर सामान बेचते हैं ना, एक्चुअली वो लोग बहुत सस्ता देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम उनसे कभी ख़रीदते ही नहीं है। लेकिन मेरी आदत है कि मैं उनसे काफ़ी लंबे टाइम से सामान खरीदती हूँ, तो वो बहुत बार चीज़ें जो हैं वो मुझे कम रेट खुद से भी करके दे देते हैं, मैं कभी कम नहीं करवाती हूँ, तो वो खुद से ही मुझे कम करके दे देते हैं। तो ये जो बंडल है ना ये 100 रुपये का है सिर्फ, और 10 मीटर की लेस है, जबकि आप खुद देख सकते हैं कि लेस ऑलरेडी कितनी महंगे वाली लेस है ये। तो ये लेस इसके अंदर मैं पर्दे में लगा रही हूँ और बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लेस है। और इसके अलावा एक यूज़ करूँगी मैं बॉर्डर वाली लेस, जो कि मैं 10 रुपये मीटर लेकर आई और वो भी है 5 से 6 मीटर के करीब। आपके पास जो भी लेस हो आप वो यूज़ कीजिए, आप कोई और डिज़ाइन लाइए। देखिए अब हमारे पास क्या, हम क्या करते हैं, हम ना वीडियो में जैसा देखते हैं ना हम बिल्कुल ही वैसा ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल सेम चीज़ तो किसी को भी नहीं मिलती है। तो आपको जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जो आपको पसंद आए और आपके घर में अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, आप वो चीज़ लेकर आइए और उससे सेम चीज़ बनाने की कोशिश कीजिए, तो वो भी चीज़ बहुत ही सुंदर बनकर निकलती है। तो यहाँ पे मैंने ये लेस जो है, ये जो हमने नीचे की तरफ वाली सिलाई लगाई ना जो पर्दे में हम डालेंगे और जो हमने पूरा फोल्ड बनाया है उसी सिलाई के ऊपर रख कर इस लेस को मैंने पूरे में सिलाई लगा दी थी, लेकिन इसको मुझे बाद में खोलना पड़ा, वो मैं आगे बताऊँगी क्यों खोलना पड़ा। अब जो है पर्दे की जो लंबाई वाली दो साइडें हैं, एक तो दीवार वाली तरफ आएगी और एक आएगी खिड़की के बीच वाले हिस्से पे। तो जो खिड़की की तरफ वाला जो हिस्सा होगा ना उस वाले कॉर्नर को पकड़ना है और उसके ऊपर पूरी लंबाई में नीचे तक लेस हमें लगानी है, और जो है बीच वाले इस तरफ ही लगानी है, दीवार वाली तरफ नहीं लगानी है, नहीं तो जो डिज़ाइन हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा। इतना होने के बाद मैंने पहले को पर्दे को डाल करके देखा, और पर्दे में ना पहले जो पर्दे के आगे थोड़ी सी पॉलीथीन डाल लेनी है, उसके बाद ही पर्दे को डालना है, क्योंकि नेट का फैब्रिक है, कट फट ना जाए। यहाँ पे जो है मुझे लगा कि नहीं, जो ऊपर आर्च वाली शेप में जो मैंने जो लेस लगाई है ना वो चुन्नट की तरह इकट्ठी हो रही है, तो वो देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने उस लेस को वापस उधेड़ दिया यानी कि सिलाई को खोल दिया, और फिर मैंने ली सिर्फ 28 इंच लंबी लेस, यानी कि जितनी हमारी आर्च थी ना सेंटर से कॉर्नर तक, जितना हमारा जो है चुन्नट डलने के बाद पर्दा छोटा होने के बाद बनना था वो था 28 इंच। तो मैंने 28 इंच की लेस ली और फिर मैंने साथ साथ जो है नीचे चुन्नटे जो है वो भी मैं हाथ से बनाती गई और लेस को सीलती गई, यानी मैंने पर्दे को सिर्फ उतना ही कर दिया जितना जो है पाइप के अंदर आना था। और आप जो है अगर आप चुन्नटे डालें, अगर आप पहले जो है सिलाई नहीं करते हैं या कम सिलाई करते हैं, तो आप पहले मोटा बखिया लगा कर उसे जो है फ्रिल्स बना लीजिएगा,
जो एक आसान मेथड है, मैंने हाथ से ही बना ली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिलाई करती हूँ तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, तो मैं तो हाथ से ही जल्दी जो है प्लीटें और चुनट सब बना लेती हूँ। तो मैंने हाथ से ही यहाँ पे चुनटें बना दी थी। साथ जो लंबाई की साइड दीवार की तरफ आनी थी और जो हिस्सा पीछे की तरफ था, यानी कि दो हिस्से थे ना जैसे हमारे नेट के, एक तो आगे की तरफ था पाइप के और एक पीछे की तरफ, जो पीछे की तरफ रहना है जो कि खुला रहना है पूरी विंडो के ऊपर, उस वाले नेट पे दीवार वाली साइड पे जो कोना आना है उस पे मैंने लगा दी थी बॉर्डर वाली लेस, जो कि पतली सी वाइट कलर का बेस था और मल्टी कलर की मैं लेकर आई थी, शीशे वाली लेस है ये, और इसमें ना पेपर वाले मिरर्स लगे हुए हैं जिसमें कि वजन नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप नेट के इस तरीके के कर्टेंस बनाएं ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है हैवी वजन वाली जो लेस है वो मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो नेट जो है वो लटक जाता है, बिल्कुल बढ़िया वाली जो शेप है वो नहीं आती है। तो ये जो मेरी दोनों लेसिस थे ना ये बिल्कुल लाइट वेट थी, दोनों में ही वजन बहुत कम था, तो इस लेस को मैंने लगा लिया बॉर्डर की तरफ और जो है बाद में नीचे की तरफ भी लगाया है, यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा आएगा ना उसमें हमें फिनिशिंग के लिए लगाना है, किनारों को फिनिशिंग देनी है, लेकिन पहले नहीं लगाएंगे, पहले जो है साइड में ही लगाएंगे, पहले पर्दों को लगा कर देखेंगे, उसके बाद बिल्कुल लेंथ बिल्कुल इक्वल करके दोनों की मेज़र करके इक्वल करके उसके बाद नीचे वाली साइड पे फिनिशिंग देनी है। तो लेस का काम हमारा जो है वो बस इतना ही है और पर्दे भी ऑलमोस्ट हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं। और सेम इसी तरीके से जो है मैंने दूसरे वाला भी स्टिच कर लिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है फ्रेंड्स, ये देखिए कि मैंने लेस को ना नेट ख़त्म होने के बाद भी दो दो या तीन तीन पैच एक्स्ट्रा छोड़े हैं, यानी कि खाली लेस को छोड़ा है। वो क्यों छोड़ा है वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि जब हम इसको साइड में टाई बैक करेंगे ना तो जो है लंबाई जो है वो विंडो तक हाइट बिल्कुल मेंटेन रहनी चाहिए, अगर ऊँची हो गई तो वो बहुत ख़राब लगेगी। तो नेट तो हमारा ऊँचा हो जाएगा लेकिन लेस जो है वो हमारी नीचे तक रहनी चाहिए, तो जो है लेस को एक्स्ट्रा नीचे मैंने छोड़ा है। अब जो है पर्दों को टाई बैक करना है तो उसके लिए चाहिए साइडों में हुक छोटे छोटे, जो कि मैं पहले ड्रिल जो है करना भूल गई, तो अब जो है मैं ड्रिल कर रही थी बिल्कुल मेज़रमेंट करके, दोनों तरफ इक्वल हाइट पे ड्रिल करना है। पहले मैंने अपने पर्दों को जो है टाई बैक करके देख लिया, ऐसे फोल्ड करके देख लिया कि मुझे कितनी ऊंचाई पे इनको रखना है, तो जो है मैंने मेज़र कर लिया था, ये लगभग 28 से 29 इंच का जो मेज़रमेंट है मेरा बना था, तो मैंने निशान लगा के दोनों तरफ ड्रिल किया और सबसे पहले यहाँ पर हुक लगाया, उसके बाद इन पर्दों को अब हम जो है टाई करेंगे। अब इन पर्दों को ना हम 3-4 तरीके से टाई कर सकते हैं। पर्दों को साइड में टाई करने के लिए मैंने लिए हैं अपने कड़े और बड़े ही प्यारे हैं और ग्रीन कलर के हैं और इनमें लगी हुई हैं छोटी छोटी लटकन, और जो है अपनी जो है ना इसी तरीके की चीज़ों को ही हम पर्दों में लगाकर उन्हें यूज़ कर सकते हैं, कोई महंगे जो है ये टाइज खरीदने की ज़रूरत नहीं है कर्टेंस वाली। और इन कड़ों की क्या खासियत थी, ये मेरी लेस वगैरह के साथ हर चीज़ के साथ मैच भी हो रहे थे और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और ये जो कड़े हैं ना ये मैं सिर्फ 20 रुपये का पेयर लेकर आई थी और ये ना 3-4 कलर के लाई थी मैं, और ये आज काम आ रहे हैं मेरे, जबकि अब तक मैंने ये पहने नहीं हैं। और बिल्कुल देखिए आप किस तरीके से जो है मैंने इनको लगाया है, पीछे हुक के अंदर जो है कड़े को हैंग कर दिया है और नेट को इसके अंदर से निकाल करके हम बिल्कुल सेट कर देंगे। और बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने पर्दे की जो चुन्नट है उनको एक हाथ से बनाया है। और इतना करने के बाद जो है अब नीचे की तरफ हम इसमें लगाएंगे पिन, और वो भी जो है बिल्कुल अच्छे से प्लीट्स बनाकर। Thank you.
और रूम मेकओवर जो है वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, जल्दी ही शेयर करूँगी।